एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। नहीं, आप पेज में सीधा बनाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि दो सर्कल ही आएंगे छोटे छोटे। ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे रखकर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे रखकर ड्रॉ करोगे तो भी आ जाएगा। चलो फटाफट 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ।
जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? चलो ये आर्क लगाई, ठीक है। अब ये आर्क और रेडियस का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको अंदर में मेजरमेंट चेंज नहीं करना। जो मेजरमेंट लेकर आपने ये आर्क लगाई है, सेम मेजरमेंट रखो। ये आर्क और रेडियस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वहां से ये आर्क इसके ऊपर लगा दो। मिला? अब दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट लो, दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर और एक आर्क लगा दो यहाँ पर ऐसे। लगाई, ठीक है। अब उसे ओ के साथ ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, यहाँ तक ज्वाइन कर दो। यहाँ पर मिला पॉइंट क्यू और ये एंगल बन गया 120 डिग्री का। मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने रफ स्केच किया है उसमें देखो, ये 120 बन गया, ये 60 तो हमारे पास पहले से आना पॉसिबल है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों 90 डिग्री के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। चलो कैसे बनाओगे, राउंडर की मदद से पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। टेक एनी रेडियस एंड ड्रो अ सर्कल, सॉरी ड्रो एन आर्क टेकिंग पी एज सेंटर। टेक एनी रेडियस एंड ड्रो एन आर्क टेकिंग पी एज सेंटर। सेंटर में एक कट करें, ये चाला तो अजय आर्क लगाई। हाँ, चाला डन। अब ये रेडियस और आर्क, रेडियस ओपी और आर्क दोनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंटर रखो, एक आर्क यहाँ पर लगा दो। लगाई, अब ये दोनों आर्क का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंटर लो, दूसरी आर्क यहाँ पर लगाओ। मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ, राउंडर में नीचे दूसरी आर्क लगाई, ठीक है। अब ये जो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला आपको, उन दोनों को बारी बारी से सेंटर रखकर ऊपर एक आर्क लगा दो। देखो इसको सेंटर रखकर ऐसे एक आर्क लगाई, फिर इसे सेंटर रखकर ऐसे एक आर्क लगाई, तो दो आर्क मिलेगी आपको। मिला ना? अब उन दोनों को ज्वाइन करती हुई पी में से लाइन बना दो ऐसे। अब ये दोनों पॉइंट को बारी बारी से
इसको सेंटर रखकर ये वाली यार, इसको सेंटर रखकर ये वाली लगाई। अब दोनों को क्यू के साथ ज्वाइंट कर दो। ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे क्यू के साथ ज्वाइंट करो। मैं मेरा तो उधर ही है। सामने ऐसे टच होगा। मिला? ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये 120 है, तो ये सामने कितने का होगा? 60 का। इसे दे दो कोई पॉइंट है। इसे दे दो कोई पॉइंट एम, मतलब पॉइंट एम में से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए एम क्यू एंड एम बी, जो एक दूसरे से 60 डिग्री के पर इंक्लाइंड थे। क्लियर? ठीक है। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर वन, हमने क्या किया था? 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल किया था, ठीक है, और उसमें दो रेडियस की थी ओपी एंड ओ क्यू, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, ठीक है। दो और सर्कल ओ रेडियस inclined
टेंजेंट्स आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे? यहां पे तो कोई सेमी सर्कल है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में तो हमने बोल दिया था कि सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, तो एंगल 90 डिग्री का है और रेडियस से 90 डिग्री बना रहा है, दैट मींस वो टेंजेंट, वो हमने लिख दिया था। पर यहां पे तो ऐसा कोई सेमी सर्कल वगैरह तो है नहीं, तो क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन। पहले हमने दोनों रेडियस कितने इंक्लाइन लिखी थी? 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यूओपी, एंगल क्यूओपी इज इक्वल टू 120 डिग्री। फिर हमने ओपी परपेंडिकुलर पीएक्स लिखा था और ओक्यू परपेंडिकुलर क्यूवाई लिया था, तो क्या मिला? एंगल ओपीएक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओक्यूवाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। होगा ऐसे? यस ऑर नो? ठीक है, फिर अब क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू एम पी एंगल ओ क्यू एम एंगल ओ क्यू एम प्लस एंगल एंगल ओ क्यू एम प्लस एंगल ओ पी एम प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है ना, ओ क्यू एम कितना है? 90 डिग्री का, प्लस ओ पी एम कितना है? 90 डिग्री का, क्यू ओ पी है 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू 360 माइनस के 90 180 प्लस 120 300। देयरफॉर एंगल UMP इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कैसे हुआ, उसका जस्टिफिकेशन देना। ये हो गया जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो और लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। एक सर्कल के सेंटर में से दूसरे सर्कल पर टेंजेंट बनाना है। बुक हो
हमें क्या बोला है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। चलो वहां से स्टार्ट करो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एटी ऑफ 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एबी ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? बना दिया लाइन सेगमेंट एपी 8 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग ए सेंटर। ए को सेंटर रखकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। चलो टेकिंग ए सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पॉइंट ए को सेंटर रखकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना। एम को सेंटर रखो, एम ए को रेडियस रखो।
तो ए बी दोनों में से पास होगा। टेंजेंट बनाना हो तो ये जो न्यू सर्कल ड्रॉ किया उसका हमारे गिवन सर्कल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते थे। यस और नो? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिला बी, यहाँ पे मिला क्यू। ठीक है, अब सेंटर ए वाले सर्कल पर कहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने थे? बी में से। तो बी पी एंड बी क्यू ज्वाइन कर दो। तो ये सेंटर, ये सेंटर ए वाले सर्कल का आपको टेंजेंट मिल गया। बी पी एंड बी क्यू। ये इस वाले सर्कल पर दो टेंजेंट मिल गए पॉइंट बी में। ठीक है, अब ये जो बीच का सर्कल ड्रॉ किया था वो ये बी सेंटर वाले सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? एक तो यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। अब आर को ए साथ है और एस को बी, मतलब आर ए और एस ए ज्वाइन कर दो। पॉइंट बी में से ए सेंटर वाले सर्कल पर दो टेंजेंट बी पी एंड बी क्यू। पॉइंट ए में से बी सेंटर वाले सर्कल पर दो टेंजेंट ए आर एंड एस। क्लियर? नाउ स्टेप्स। हमने क्या किया था? ए बी 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ए को सेंटर रखकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, बी को सेंटर रखकर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रो। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सर्कल ओ सर।
4 रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग ए एस सेंटर एंड अनदर सर्कल ऑफ रेडियस बी सेंटीमीटर टेकिंग बी एस सेंटर ठीक है। फिर हमने क्या किया था, एबी का मिड पॉइंट एम है, एम को सेंटर रखकर एम ए को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया था। एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, टेकिंग एम एज सेंटर एम ए इज रेडियस ड्रॉ ऑफ सर्कल। जस्ट
BP is tangent to the circle with center A and RB. So AR is tangent to the circle with center B. Likewise.